नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डबल न्यूज और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आनंद कुमार जी। इनसे बात करेंगे दिल्ली के चुनावी मुद्दों पर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे और उनकी क्या क्या जो दिल्ली वालों की जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल कर पाएंगे। जी सर, क्या नाम है जी? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, कुछ मैं ये कागज है आपका जो दिल्ली का संकल्प पत्र है, कुछ मुद्दे हैं इन्हीं पर आज आपसे बात करना चाहूँगा। तो कुछ जो पहला मुद्दा है आपने जो लिखा हुआ है कि GST और नोटबंदी का, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप इसमें लिखा है कि आपने सीलिंग की मार से जेल रहे व्यापारी को राहत दें। देखिए जी, नोटबंदी और GST अपने आप में उद्देश्य शायद उनका अच्छा था, परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया, जिसके कारण आर्थिक स्थिति पर या व्यवसायियों की स्थिति पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। आप सब जानते हैं, जब से नोटबंदी हुई है, GST लागू हुआ है, तब से आर्थिक व्यवस्था देश की चरमरा गई है। रोजगार खत्म हो रहे हैं, उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं और प्रोडक्शन घट रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, यदि चारों तरफ और GDP की भी हालत देखें तो हर क्वार्टर में ये पता लगता है कि आर्थिक स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है दिल्ली में, तो कैसे इन सब समस्याओं को हल कर पाएंगे? देखिए, दिल्ली में जो सबसे बड़ी बात है, सीलिंग की जो समस्या रही है, यहाँ पर चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मिल करके इस शहर में न जाने कितने सालों से सीलिंग करने में लगे हुए हैं। जहां कहीं भी उनको मौका लगता है, सील दुकानों को बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं और सालों साल गुजर जाते हैं, उसके बारे में कोई कहीं निर्णय नहीं ले पाता उनका क्या होना। अरे भाई, आप 2 महीने में यदि सीलिंग कर रहे हो तो उसका कोई निर्णय तो कर दो कि वो उसको मिलना है, वापस होना है, अटैचमेंट होना है, क्या होना है, वो कोई डिसीजन नहीं हो रहा। अब इलेक्शन से पहले अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया है कि यहाँ की जो कॉलोनीज हैं, डिफेंस कॉलोनी और दूसरी कॉलोनीज, उन सब में जो भी कुछ इस ढंग की सीलिंग थी उसको हम ओपन करेंगे, क्यों जी? और हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, क्यों? इतने सालों बाद अब आप ये क्यों कर रहे हो? चुनाव से पहले आप ये तमाशा कर रहे हैं? तो इतने सालों तक आप सीलिंग करते रहे और सीलिंग करने के बाद उसको आप भूल गए, अब सालों साल बाद जब इलेक्शन हो रहा है उससे पहले आप ये कर रहे हैं। तो आपका कहना यह है कि सरकार जो सीलिंग कर रही थी, मतलब उनको डी सील करने की चुनाव से पहले उनको याद रखें? बिल्कुल निश्चित रूप से, और ये एक प्रकार से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अपराध है कि लोगों के व्यवसाय खत्म कर दिए गए, लोगों की नौकरियां खत्म कर दी गई, आपने पूरा सामान जो है वो उसमें, और उसके कारण से लोगों से जो लेन देन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो एक अलग तरीके की समस्या है। तो इस ढंग से आपने मिल करके पूरे व्यवसाय को, आर्थिक व्यवस्था को जो है बर्बाद किया है और इसके लिए जिम्मेदार है। हम यदि सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से इस ढंग के काम, यदि कहीं कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो आप उसका निर्णय करिए ना, न्यायालय से होना है न्यायालय से करवाइए, आपको करना है आप करिए, कोई तो सिस्टम हो। यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं है, आपने सिस्टम बनाया नहीं, सीलिंग आपने चालू कर दी, ये कौन सा तरीका है? और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो है दादागिरी चल रही है, कोई भी बात करो नहीं, सब सुप्रीम कोर्ट से, कुछ भी कर ले सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, तो ये कौन सा तरीका है? आप व्यवसायी जो है, देखो आर्थिक स्थिति का रीढ़ है, टैक्स देता है, वो चोरी भी करता होगा तो भी तो टैक्स देता है, वही देता है, दूसरे लोग नहीं देते टैक्स। तो ऐसे लोग जो कि आपको टैक्स देते हैं और रोजगार देते हैं, उन लोगों को आप परेशान कर रहे हो, उन लोगों को आप तंग कर रहे हो, उनकी व्यवस्थाएं नहीं बना रहे, तो इससे कैसे देश चलेगा, कैसे राजधानी चलेगी, कैसे व्यवस्था बनेगी? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि व्यवस्थाएं ढंग की हो और इस ढंग की जो नीतियां चल रही हैं बिना सोचे समझे उसको खत्म किया। दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि जो दूसरा जो दे रखा है संकल्प पत्र में, उसमें रोजगार बचाओ एवं रोजगार बढ़ाओ। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये सीलिंग हुई,
उसके कारण से रोजगार और उद्योग धंधे ठप हुए। तो जब उद्योग धंधे ठप होंगे रोजगार तो अपने आप खत्म होगा, जब आपकी फैक्ट्रियां ठप होंगी रोजगार अपने आप ठप होगा। अब आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में न जाने कितने सैकड़ों शोरूम मारुति के, होंडा के और दूसरी कंपनियों के, वो शोरूम जो है, जो कार बनाने वाली कंपनीज है उनके शोरूम सैकड़ों की संख्या में, और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी जो नीतियां हैं वो जो व्यवसायी है उसको हिट कर रहा। यदि आप व्यवसायी को परेशान करेंगे आपको कैसे बढ़ावा देगा? अरे जी, व्यवसायियों को, अपने व्यवसायियों को सुरक्षित करो, उनकी व्यवस्था करो, उनके यदि वो सुरक्षित रहेगा रोजगार जो है अपने आप बढ़ते चले, क्योंकि व्यवसायी है जो कि रोजगार देता है, व्यवसायी है जो कि आर्थिक उन्नति को बढ़ा सकता है, वही तो व्यक्ति है, एक किसान है जहां रोजगार होता है। तो किसानों की और व्यवसायियों की स्थिति को सुधारा जाए। हम बाहर से बुला रहे हैं कि आप आओ यहां व्यवसाय करो, मेक इन इंडिया का वो दे रहे हैं उनको कि आप यहां पर आकर के, अरे अपने जो व्यवसायी हैं उनको सुविधाएं दो ना, अच्छी सुविधाएं दो, अच्छी दुकानें दो, अच्छे ढंग से उनकी व्यवस्थाएं बनाओ, अपने आप रोजगार बढ़ेंगे, अपने आप व्यवसाय बढ़ेगा। तो तीसरे मुद्दे पे हम बात करेंगे, जैसा कि आपने लिखा हुआ है कि अपराध मुक्त एवं स्वस्थ समाज की संरचना, और कुछ आपने लिखा है छात्र छात्राओं के लिए चरित्र निर्माण शिविर कार्यक्रम। देखिए, नौजवान किसी भी देश के भविष्य होते हैं, उनका सही ढंग से जो शिक्षा देना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पर दुर्भाग्य से धर्म निरपेक्षता का मतलब हमने ये समझ लिया कि हमें जो है किसी भी ढंग की कोई मॉरल वैल्यूज की या संस्कारों की शिक्षा देने की भी आवश्यकता नहीं है। परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो वहां जो दादा होता है ना, वो जो शिक्षा देता है वो सीखते हैं। अब दुर्भाग्य ये हो रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कन्हैया कुमार जैसे दादा पैदा हो रहे थे, संस्कार है नहीं, किसी ने उनको बताया नहीं, तो लोग वो जो कन्हैया कुमार जो बताता है या और जो दूसरे लोग बताते हैं वही सीखते हैं। तो परिणाम ये है कि हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन जो है वो एक प्रकार से अराजकता के अड्डे बन गए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि चरित्र निर्माण के लिए अलग से प्रयास किए जाए, और उसमें मेरा कहना यह है कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? वो हमारे नियम जो बताए जाते हैं उसके अंतर्गत फंडामेंटल, और ये ऐसा नहीं कि केवल यहां के लिए, ये यूनिवर्सल फंडामेंटल ड्यूटीज है पूरे विश्व में। इन चीजों को यदि हम इंप्लीमेंट करें तो किसी भी देश का कोई समाज इनका विरोध नहीं करेगा। क्यों? अहिंसा, नॉन वायलेंस, अब इसका कौन विरोध करेगा कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, सत्य, सत्य बोलना, सत्य को जानने की कोशिश करना, सत्य के प्रति आग्रही होना, इसका विरोध कौन करेगा? चोरी न करना, अस्ते चोरी न करना, बेईमानी न करना, ये जो है ये तीसरा जो है उसका फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्य, सदाचारी होना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं। आप किसी समाज में चले जाओ, कोई भी समाज, कोई भी पंथ, कोई भी मत इनका विरोध नहीं कर सकता। इसलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और इनके बारे में हमारे बच्चों को जानकारी होना, हमारे नौजवानों को जानकारी होना, शिक्षा संस्थानों में इसकी जानकारी देना, जिससे कि उनका सही ढंग से विकास हो सके। देखो, यदि आपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया परंतु ये शिक्षा नहीं दी उसको, तो होगा क्या? होगा ये इंजीनियर बनेगा पर वो बेईमानी से या तो उसमें करप्शन करेगा या उसमें कुछ मिलावट करेगा। आपने देखा होगा बहुत बहुत बार जो हमारे जो पुल बन रहे होते हैं, बड़े बड़े शहरों में गिर जाते हैं, बनते बनते गिर जाते हैं, क्या कारण है जी?
दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसकी एजुकेशन ठीक नहीं थी, टेक्नोलॉजी में कमी थी, या उसमें करप्शन किया गया, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमारी, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने बताया कि हम दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनती है तो कई मुद्दे हैं, कई नीतियां हैं जिनको ये पूर्ण रूप से लागू करना चाहेंगे। मैं कुलदीप कुमार, AA News, दिल्ली।